अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़िला फैसलाबाद के शहर जड़ावाला में जो वाकया पेश आया है, इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है वो बड़ी ख़तरनाक है। वहाँ रेंजर पहुँच चुकी है, दफ़ा 144 वहाँ नाफिज है, क्योंकि वहाँ मसीह बिरादरी के 6 चर्च को जलाया गया, उनके तकरीबन 15 घरों को जलाया जा चुका है और कुछ सरकारी दफ्तर भी जलाए गए। असल इसकी वजह क्या बनी है? मसीह बिरादरी के इन चर्चेस को क्यों जलाया गया है, घरों को क्यों जलाया गया है? असल जो इसकी वजह बनी है वो कोई बता ही नहीं रहा। इसकी असल वजह वो काम बना है जो मुसलमानों के घरों के सामने हुआ। ये तकरीबन बुध और मंगल की दरमियानी जो रात है, शाम है, इस वक्त में इस टाइम में इस मामले की इब्तदा हो रही है। वो मैं आपके सामने वाकयात भी रखूंगा, दो वाकये बताए जा रहे हैं और फिर इन वाकयात के बाद वहाँ के जो ऐसी हैं, शौकत मसीह नाम बताया जा रहा है, उनकी तरफ से कौन सा किरदार सामने आया, इसकी वजह से मामला आगे बढ़ा, बिगड़ता गया। फिर मुसलमानों ने मस्जिद में खड़े होकर स्पीकरों पे क्या ऐलान किए, वो भी इंशाल्लाह आपके सामने वीडियो रखूंगा कि किस तरह अवाम को इश्तियाल दिलाया गया, आम मुसलमानों को जज्बाती किया गया। ये सारे मामला इंशाल्लाह मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन इससे पहले कि ये जो वाकया हुआ है, ये सारा कुछ जो हो रहा है पाकिस्तान में, ये कोई पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं हो रहा। ये पाकिस्तान का इमेज बहुत बुरा जा रहा है, और जहां तक मेरा अंदाजा है कि ये सारे मामलात असल में पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश है। आपस में जो मुसलमानों और गैर मुसलमानों का इत्तेफाक है, इत्तेहाद है, उसको खत्म करने की कोशिश की जा रही है, और मैं समझता हूँ ये साजिश आलमी सतह पे हो रही है। देखें, ये जो काम हुआ है गैर मुसलमानों की इबादत गाहों को जलाना, इसकी इस्लाम हरगिज इजाजत नहीं देता। हालात जंग में भी इस्लाम तो रोकता है किसी की मजहबी इबादत को जलाने की और इस तरह बेहरमती करने की, और पाकिस्तान का कानून भी इसकी इजाजत नहीं देता। तो इस वाकये की जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। बहरहाल अल्लाह ताला उन लोगों को हिदायत दे जो सारा ये काम करवा रहे हैं, और अगर उनके नसीब में हिदायत नहीं तो अल्लाह ताला इबरत का निशान बनाए। तो जी नाज़रीन इकराम, तफसीलात के मुताबिक वाकया कुछ यूं हुआ है। कुछ लोग बता रहे हैं कि आमिर नामी एक शख्स है, उसके साथ एक और दूसरा लड़का था, इसने कुछ पंफलेट छपवाए हुए थे, कोई इश्तेहार वगैरह छपवाए हुए थे, उनके ऊपर ऐसे अल्फाज लिखे हुए थे जिनसे मुसलमानों के मजहब की तोहीन हो रही थी, जिससे मुसलमानों को बहुत गुस्सा आया। तो उन मुसलमानों ने पहले थाने को इतला दी, पुलिस वालों को आगाह किया, लेकिन पुलिस वाले वहां नहीं पहुंच सके। फिर उसके बाद मुसलमानों ने ऐलानात किए और जमा होना शुरू हो गए। एक वाकया तो ये बताया जा रहा है, इसके अलावा एक और वाकया भी बताया जा रहा है कि इसकी वजह क्या बनी है, और ज्यादा सही मुझे ये वाकया लग रहा है। ये मुख्तसर सी एक रिपोर्ट है, वीडियो है, ये आप देख ले पहले अंदर किस तरह के मामला चल रहे थे। हकीकी वाकयात को जानने के लिए वहां एक मुकामी आलम दीन है, अबू बकर पटवी साहब, मैंने उनसे राबता किया, वो कई वाकयात के चश्मदीद गवाह हैं, और बाकी जो चीजें हैं उनकी भी रिपोर्ट वो बताते हैं। वो बताते हैं कि जड़ावाला एक पुरअमन इलाका है, पुरअमन शहर है, यहाँ कई ईसाई बसते हैं, छोटी छोटी उनकी 2-3 बस्तियां हैं, उनका चर्च है, वो अपना काम ईसाई यहाँ करते हैं। एक गर्ल्स स्कूल है, गर्ल्स हाई स्कूल, जिसमें एक शख्स यानी दर्जा चहारम का मुलाजम है, इसका नाम है सलीम मसीह, इसके दो बेटे हैं, एक बेटे का नाम है राजा सलीम, एक राकी सलीम। ये अच्छे तरीके से यहां ईसाई रह रहे हैं, इनका चर्च है, इबादतगाह है, और यहां का जो एसी है वो भी शौकत मसीह, एक मसीही बरादरी से ताल्लुक रखता है। वो कहते हैं कि आज कोई 5 बजे के करीब हुआ ये कि इस शख्स के दो बेटे वो मेन रोड पर आए, सैनमा रोड या सैनमा चौक के पास आए, और हाथों में कुरान मजीद के औवराक थे जिन पर नौज बिल्ला सुम्मा नौज बिल्ला नाजेबा अल्फाज सुर्ख मार्कर से या पेंसिल से लिखे हुए थे। फिर एक कागज रखा गया जिस पर इन दोनों भाइयों की, मसीही भाइयों की तस्वीरें थी, उन पर मुसलमानों के खिलाफ इश्तियाल अंगेज तहरीर दर्ज थी। उन नौज बिल्ला इनके इस्लाम को गलत कहा गया, इनके नबी को गलत कहा गया, इनके कुरान को गलत कहा गया, इनके अल्लाह को गलत कहा गया, अल अयाज़ु बिल्ला। ये इल्जाम लगाया गया कि मुसलमान सलीब को नीचे बनाते हैं, तोहीन करते हैं, लिहाजा डरते नहीं है, बदला लिया जाएगा, इस तरह की यानी इश्तियाल अंगेज वो तहरीर थी और तस्वीरें मौजूद थी, वहां छोड़ दी गई। सबसे पहला सवाल यह पैदा होता है कि अगर ये कोई इश्तियाल अंगेजी का वाकया होता तो इसमें कोई पीछे बैकग्राउंड होना चाहिए था। मैंने मालूम किया कोई इससे पहले दंगा फसाद नहीं हुआ, कोई ऐसी सलीब नहीं बनाई गई, कोई यानी इवन कोई जाति झगड़ा भी नहीं हुआ कि जिसको मजहबी रंग दिया गया हो। बहरहाल ये कोई 5-5:30 बजे के करीब मेन रोड पर वाकया पेश आया, मामूली थोड़े बहुत लोग उस वक्त मौजूद थे, लिहाजा पुलिस को रिपोर्ट कर दी गई, पुलिस आ गई। लेकिन अगला जो अलमनाक पहलू इस मामले का है वो किरदार है उस एसी का, जो शौकत मसीह है। उसका काम यह बनता था कि कानूनी एतबार से इन बंदों को गिरफ्तार होने दिया जाता, अदालत में पेश किया जाता, चूंकि इस मुल्क का एक कानून है, उसके मुताबिक जो फैसला होता गिल्टी पाए जाते, सजा मिलती, बेगुनाह होते तो छूट जाते। लेकिन उसने अजीब अपना असर और रसूख इख्तियार करते हुए पुलिस को वापस भेज दिया और इनको गिरफ्तार नहीं होने दिया, दोनों भाइयों को। इस पर जाहिर इश्तियाल मुसलमानों में फैल गया कि यह एक इस्लामी मुल्क है और इसमें इस तरह का एक दिन दहाड़े काम होता है, और जब कानूनी रास्ता इख्तियार किया जाता है तो वो इख्तियार नहीं करने दिया जाता। इस पर एक इश्तियाल आ गया
और कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने मस्जिदों में ऐलान कर दिया कि तोहीन हुई है कुरान की, इसलिए पुरअमन एहतजाज के लिए आ जाओ, लिहाजा कुछ जज्बाती लोग ऐलान भी किया। जी नाज़रीन, आपने ये वीडियो देखी, इसके अंदर यही बताया जा रहा है कि वो जो दो लड़के थे बुनियादी तौर पे उन्हीं का कसूर है, वो सलीम के लड़के, और दूसरे नंबर पे जो कसूर है इस वीडियो के मुताबिक वो है उस ऐसी का जिसका नाम शौकत है और ये मसीह बिरादरी से तल्लुक रखता था, उसने उनको गिरफ्तार नहीं होने दिया। फिर जाहिर है इतने बड़े मुजरमों के ऊपर कानूनी जब कार्रवाई ना हो तो लोग मुश्तइल हो जाया करते हैं, जज्बाती हो जाया करते हैं। उसके बाद मुसलमानों की तरफ से रिएक्शन आया, उन्होंने अपनी मस्जिद में ऐलान करने शुरू कर दिए। ये आप वीडियो देखें जरा। ਸਾਈਆਂ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੀ ਬੇਹਰਮਤੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਮੌਲਵੀ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਤਾਲ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਸ਼ਤੇ ਕਰਨ ਦੇ ਘਰਾਂ ਬੈਠੇ, ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਸੜਕਾਂ ਬਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀਆਂ, ਅਗਰ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਮੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਬੈਠੇ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ फुल कोशिश की गई है मुसलमानों को इश्तियाल दिलाने की, लेकिन फिर भी इस शख्स की मेहरबानी है, इसने कहा एहतजाज करें कानून के दायरे में, लेकिन जब जाहिर है लोग जमा होते हैं, मुश्तइल होते हैं, जज्बाती होते हैं, इस किस्म के नुकसान के होने का अंदेशा होता है। फिर जब लोग जमा होना शुरू हुए, एहतजाज करना शुरू किया, तो वक्तन फवक्तन वहाँ के जो मकामी उलमा थे वो आवाम को इस बात से आगाह करते रहे कि आपने जलाओ गिराओ नहीं करना, किसी की इमारतों को नुकसान नहीं पहुँचाना, ये मुल्क हमारा है, हम अपना ही नुकसान करेंगे अगर इस किस्म के काम करेंगे। वो भी आपने सोशल मीडिया पर इस किस्म की वीडियो देखी होंगी। देखें ये शख्स उनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, ये वहाँ के मकामी उलमा हैं, ये उनको कंट्रोल कर रहे हैं कि आप कानून को हाथ में ना लें, पुरअमन एहतजाज करें, इस किस्म की सारी बातें वो कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद अवाम कंट्रोल से बाहर हो गई। की वजह यही थी जैसा कि मैंने शुरू में कहा, ये असल में पूरा प्लान था, एक तरतीब के साथ ये सारा वाकया किया गया, क्योंकि इससे पहले किसी किस्म का कोई उनका झगड़ा नहीं था, अचानक से ये दो लड़के सामने आए, फिर उसके बाद उस ऐसी का किरदार। फिर मजे की बात यह है कि वहाँ जितने लोग मसीह थे वहाँ उस बस्ती से निकल गए, घरों को छोड़ के वो बाहर चले गए, घर उनके खाली पड़े थे जिनको जलाया गया है। तो इन सारी बातों को बगौर देखा जाए तो पता चलता है कि ये बकायदा एक प्लान था, ये सारा कुछ किया नहीं गया बल्कि करवाया गया है। ये सारी रिपोर्ट सारी वीडियोज देख के आपको क्या लगता है, आप कमेंट में ज़रूर इजहार करें। अब हम आखिर में हुकूमत से मुतालबा करेंगे कि ये जो सारा वाकया हुआ है इसके अंदर जो जो अशखास मुलव्वस हैं, चाहे वो किसी भी बिरादरी से हैं, गैर मुस्लिम हैं या मुस्लिम हैं, उन्होंने पाकिस्तान के अमन को ख़राब करने की कोशिश की है, इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश की है, मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश की है, और इन सारे कामों की ना इस्लाम इजाज़त देता है ना पाकिस्तान का कानून इजाज़त देता है, इन सब के सब की सख्त से सख्त की जाए और इनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए ताकि आइंदा किसी को जुरत ना हो पाकिस्तान का अमन खराब करने की, इस किस्म के मामलात में वाकयात में हिस्सा लेने की। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है जब भी इस किस्म के वाकयात होते हैं आलमी सतह पे पाकिस्तान की हुकूमत पे गवर्नमेंट पे दबाव डाला जाता है और इस किस्म के लोग पाकिस्तान से बाहर भेज दिए जाते हैं, उनको सजा तो बहुत दूर की बात है, बाकायदा प्रोटोकॉल के साथ उनको पैसा भी दिया जाता है, शोहरत भी दी जाती है, सारे काम वो कर लेते हैं, और हमारे हिस्से में पाकिस्तान के हिस्से में क्या आता है, बदनामी आती है, हर जगह मीडिया पे पाकिस्तान का इमेज गलत पेश किया जाता है। इस वाक्य में भी आलमी तौर पे पाकिस्तान गवर्नमेंट पे पूरा दबाव होगा इस पूरे मामले की तफ्तीश करने की, उनको खुली आजादी नहीं दी जाएगी। तो कानून के रखवाले जितने बैठे हैं कोशिश करें कि सही इंसाफ के साथ फैसला करें, जिसकी जितनी ज्यादती है उसको सजा मिलनी चाहिए, उसको कैफर किरदार तक पहुंचाना चाहिए। अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह ताला हमारे मुल्क पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।